नान दोस्तों, तो अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपके फोटो आ रहा है, ये है बीके सूरज भाई। आइए, बीके आप लगते ही समझ गए होंगे ब्रह्म कुमारी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ब्रह्म कुमारी एक बहुत बड़ी संस्था है आज के समय में, और ये कुछ उन संस्थाओं में से है जो मानती हैं कि अभी का जो समय है बहुत खास समय चल रहा है। हम लोग युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं और कलयुग अपने अंत की तरफ है। तो इसी कड़ी में भविष्य की घटनाओं का थोड़ा सा अनुमान देते हुए एक इंटरव्यू इन्होंने दिया, तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया उस इंटरव्यू में और कितना सही बताया कितना नहीं बताया। और मेनली कुछ मैं पहले फिर भी बता रहा हूँ आपको, कुछ बहुत कम संस्थाएं हैं इंडिया में आज के समय में जो ऐसा बिलीव करती हैं कि हाँ, हम लोग कलयुग के एंड में जी रहे हैं और बहुत जल्द भगवान कल की प्रकट होने वाले हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं क्या। भाई जी, अभी आपने एक वीडियो में कहा था कि प्रकृति के पांचों तत्व उग्र हो जाएंगे कुछ समय बाद, और अगले 3-4 साल और कठिन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आदमी कितना भी योगाभ्यास करे, जब एक वायरस ने दुनिया को हिला डाला है, तो आदमी प्रकृति का ये रूप कैसे देख पाएगा, मनुष्य कैसे इस चीज को झेल पाएगा? मैं और डराना नहीं चाहता, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है और हमें पता भी है आगे क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन अब मैं एक पॉजिटिव बात ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का आगमन ज्यों ज्यों नजदीक। देखिए, यहाँ पे जो ये श्री कृष्ण का पुनर्जन्म या फिर श्री कृष्ण की वापसी कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण के मतलब आप कल्कि से सीधा समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बाद बुद्ध, बुद्ध के बाद लास्ट अवतार भगवान कल्कि का ही होने वाला है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारा कुछ भगवान कल्कि को लेके ही किया जा रहा है। सारी भविष्यवाणियां उसी तरफ हमको ले जा रही है, चाहे कोई किस भी अवतार की बात करता है, वो कल्कि अवतार की ही बात करें। अभी के समय में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम है। खैर, फिलहाल हम चलते हैं। ठीक आता जा रहा है, 2036 के बाद 1-2 साल में ही वो महान आत्मा इस धरा पर अवतरित हो जाएगी। उसके आगमन के लिए ये प्रकृति पावन होनी चाहिए और हाईली स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी चारों ओर फैल जानी चाहिए। आज गंदी फ्रीक्वेंसी है, गंदे वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशंस में वो देव आत्मा और नेक्स्ट टू गॉड आ नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं, प्रकृति भी उन्हें रिसीव कर रही है। और मैं इस कोविड का आपको एक पॉजिटिव, हमारा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोविड की क्यों बात करें, ये 1 साल पुराना वीडियो है, तो ये चीज़ वैसे मैंने पहले ही डाल दी है। तो 1 साल पुराना वीडियो है इसलिए कोविड की बात कर रहे हैं। पहलू बता देता हूँ, हालांकि ये महामारी भी है, ये बहुत बड़ी आपदा भी है, विचारणीय सोचनीय स्थिति भी है, लेकिन इसी से लोग अब पॉजिटिव होंगे, इसी से लोगों को विषय विकारों से वैराग्य आएगा, इसी से वो पाप से थोड़ा बचेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जब अकेला होता है हॉस्पिटल में, वो जरूर सोचता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तुमने कितने पुण्य किए कितने पाप किए हैं, और रिकवर होके तो सब लौट ही रहे हैं बहुत सारे, तो उनके पाप समाप्त होंगे, पुण्य करने प्रारंभ होंगे। तो ये जो महामारी चल रही है, ये मनुष्य को मनुष्य भी बनाएंगी, मानवता भी प्रदान करेंगी। क्योंकि कभी कभी मनुष्य सिखाने से कुछ नहीं सीखता है, उसे ये आपदाएं विपदाएं बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो ये गुड पहलू भी इसका होगा। बाकी प्रकृति के पांचों तत्व क्योंकि प्योरिफाई होने हैं, इसलिए वो प्रकोप तो लाएंगे और ये संसार धीरे धीरे उसमें समाता जाएगा और एक नवयुग उदय होगा। हम उस नवयुग की ओर देख रहे हैं। 2036, भाई जी आपने एक डेट बताई है, 2036 तक क्या ऐसी उथल पुथल रहेगी? 2036 तक काफी उथल पुथल चलेगी। एक सीन जाएगा, दूसरा सीन आएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आएगा। इसमें दोनों लक्ष्य हैं परमात्मा के, क्योंकि अब गॉडली प्लान चल रहा है, मनुष्य को पुण्यात्माएं बनाना, और जो राजयोग सीख रहे हैं, जो ब्रह्मावत्स बने हैं, उनके पुरुषार्थ को तेज करना। क्योंकि जितने ज्यादा राजयोगी और पवित्र आत्मा बनेंगे, विशेषकर 108 रतन परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, उतना ही प्रकृति प्योरिफाई होगी
और नवयुग का आगमन शीघ्र होगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने एक युग परिवर्तन की एक चीज को पकड़ा है, वो है नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं। ये 2036 तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि सब कुछ उस समय में हो जाएगा। और हालांकि कुछ चीज़ें इधर उधर हैं, पर मेनली जो भी इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं हम लोग, उसको दिखा रहे हैं चैनल पे, जो भी भगवान कल्कि युग परिवर्तन और सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म को, तो उनको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों का क्या सोचना है कि कितने सही हैं कितने नहीं हैं? और टाइमलाइन हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, पर मेनली टाइम यही है, लाखों सालों वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जागरूक हो रहे हैं। आजकल जो मूवीज हैं उसमें भी लाखों साल को आंकड़े को छोड़ा जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सेकंड चैनल पे राम सेतु अगर मूवी आई है, अगर आपको पता हो, तो वहां पे भी बताया जा रहे हैं कि रामायण या फिर राम सेतु जो बना था वो लाखों सालों पहले नहीं बल्कि कुछ हजार साल पहले ही बना था। वहां पे 7000 साल का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, पर मोस्ट प्रोबेबली हजारों सालों में ही है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कम्युनिटी पोस्ट में भी दिख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।